हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि पंचर मशीन अपनी साफ कैसे करें। जो गंदी हो जाती है ना, ये ट्यूब चिपक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो साफ करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। पकड़ना भाई, देखो दोस्तों, ये रेतमाल कागज होता है, रेतमाल कागज अपना मिलता है 150 नंबर, ठीक है। उसका एक टुकड़ा लेना है अपन को, इतना था एक टुकड़ा लेके, और इसको घिसना है। इतनी भी गंदी है ये, सब साफ हो जाएगी। तो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से बहुत पसंद है। ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन हो गई, और सेम प्रोसेस के साथ जितनी गंदी दिख रही ना, ये साफ नहीं हो रही। इसी रेतमाल से ना इस पे कोई स्क्रेच है ना कुछ है, ये क्लियर हो गई दोनों। मात्र 5 मिनट का काम है, कभी कभी गंदी हो जाती है ना साफ करने के लिए। अभी मैं इन दोनों मशीनों को एक साथ गर्म करता हूं। ये देखो दोस्तों, दोनों मशीनों को फंसाई है ऐसे नीचे, बताओ ये प्लग से है ना, और ये देखो दोनों को साथ करता हूँ तो कितनी देर में गर्म होती है दोनों। तो दोनों चालू हो गई, अभी टाइम हुआ है, मिला के देखता हूँ कितने टाइम में गर्म होती है, दोनों साथ में कट होती है कि नहीं होती है। देखो दोस्तों, ये लगभग गर्म हो जाना चाहिए दोनों को, अभी नहीं गई है, अभी नहीं गई है। ये दोस्तों, ये मशीन गर्म हो गई अपनी, और ये वाली नहीं हुई है क्योंकि ये नई बनाई है, इसकी नई कॉइल है और इसकी पुरानी कॉइल है। ऐसी गर्म होना चाहिए दोस्तों, पानी जैसे लुढ़कता है ना ऐसे लुढ़कना चाहिए। बताओ सर, देखो आओ, ये गर्म हो गई है।